पेट वाला अंकल, मूंछ वाला अंकल और आंटी, ये तीनों कौन है जो वहां की लड़कियों को लगातार नेताओं के पास, पदाधिकारियों के पास ले जाते थे? और ये वर्तमान में जितनी लड़कियां ले जाते थे उसका सेक्स ओपन हुआ है, और जिस लड़कियों को 2 महीने के बाद करवाया गया तो उसका तो आया नहीं, तो लगभग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया। तो किन किन नेताओं को परोसा गया? कौन है मंत्री के हस्बैंड जो जबरदस्ती वहां से लड़की लाते थे? कौन है एमएलसी वहां के? पटना और क्यों मौन है सरकार? क्यों सीबीआई इंक्वायरी, जबकि जो गवाह दिया ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ उसको मधुबनी भेजकर उस बच्ची को बरवा दिया गया, उसकी हत्या हो चुकी है। कल्याण पदाधिकारी की हत्या सीतामढ़ी में कर दिया गया था इसी कारण से, सुबह सुबह गोली मार दिया गया। मानव ट्रैफिकिंग, जो नेपाल से, जो नेपाल की लड़कियों को गायब कर दिया गया, मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को लगातार, मोतिहारी, मधुबनी, भागलपुर से नौन बच्चियों का गायब होना, मधुबनियों में मार देना, कोर्ट के आदेश के बाद क्या अब कंगाल मिलेगा? और जब 2 महीना पहले एफआईआर हुआ तो क्या सबूत नहीं मिटा दिए गए होंगे? और किन किन नेताओं के पास लड़की परोसे गए, इसका उद्भेदन अभी तक क्यों नहीं हो रहा? हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इन घटनाओं की सीबीआई जांच कराए।